Dear students, so in today class we are going to study about complements. Complements जो हमें पढ़ने हैं वो चारों types के जो complements हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ones, twos, nines and tens complement. अब इसके बारे में हम one by one सारे complements को पढ़ेंगे, यानी कि ones, twos, nines and tens, और इसके साथ साथ में main formula के through and shortcut दोनों method के through पढ़ेंगे. So स्टार्ट करते हैं. माय नेम इज हरी मोहन राय, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन केस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. तो इन कॉम्प्लीमेंट्स में हमारा मेनली जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट. नाउ आई वाज सेइंग कि चार होते हैं और ये टू का मतलब क्या हुआ, लेट्स सी हियर. देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट. क्यों और कैसे, इसके बाद आपको आपका डाउट जो है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा. ओके, सो देयर आर mainly two types of complement. Two types of complements. अब इन्हीं दोनों complement से आपके जो बाकी complements, सारे complements निकल जाएंगे. जैसे example के लिए कौन कौन से हैं वो चारों, तो just here पहला, या तो वो R dash S यानी कि R S complement कहलाएगा, RS complement, complement के अंदर में आएगा, या second R minus one dash यानी कि R minus one S complement के अंदर में आएगा. तो इन्हीं दोनों में से कोई भी complement हो सकता है, यानी कि जो ones complement, twos complement या nines and tens है, इन्हीं दोनों के अंदर में fall करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले start करते हैं. पहला number यहाँ पे first one is RS complement. Okay. तो ये निकालते कैसे हैं, इसका इसके थ्रू हम क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं, तो हम पहले देखेंगे. तो आर एस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, यानी कि आर डैश एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर टू द पावर एन माइनस कैपिटल एन, जहां पे कि आर को हम लोग रेडिक्स बोलते हैं या बेस, एक ही बात है, रेडिक्स या बेस. और स्मॉल एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ, ध्यान देना, नंबर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट हो गया. अब इंटीजर डिजिट्स से क्या तात्पर्य है, तो मैं बता दे रहा हूं, इंटीजर डिजिट्स का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास नंबर है 0.1001, इसमें इंटीजर डिजिट 0 है और फ्रैक्शन डिजिट 4 है. उसी तरीके से अगर ये 10.1001 होता तो इंटीजर डिजिट्स 2 एंड फ्रैक्शन डिजिट 4, तो इसी को हम लोग इंटीजर एंड फ्रैक्शन डिजिट्स बोलते हैं. तो इंटीजर डिजिट्स आर, हमें काउंट करना है यहाँ पे एन की संख्या, एंड द नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल एन जो है इज नथिंग बट गिवन नंबर, गिवन डिजिट यू कैन से, जिस डिजिट्स का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एन. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले एक आध एग्जाम्पल के थ्रू. तो इसके थ्रू यानी कि आर एस कॉम्प्लीमेंट से हम लोग किसका किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर में है पहला टेंस कॉम्प्लीमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड, ध्यान देना यहाँ पे, फाइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ given number, of given number. तो क्या है given number, चेक करते हैं. So given number is 37218.0.123, sorry, 0. इस तरीके से लिखना है 0.12345 and 5. So this is nothing but base, इसका 10 है. अब इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं. कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो टेंस कॉम्प्लीमेंट हम इसका कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे. ओके, सो लेट अस सी. तो हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशंस में फॉर्मूला चेक करते हैं और इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं. सो अंडर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हमारा फॉर्मूला क्या है, ए कैपिटल एन जो होगा यानी कि जो गिवन डिजिट होगी ये होगी, यानी कि 37218.1234
2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका गिवन यानी कैपिटल एन की वैल्यू। स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट्स, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 1, 2, 3, 4, 5 नंबर इंटीजर 5 है, और बेस जो है यानी कि रेडिक्स क्या है, आर इज इक्वल टू 10। सो एज पर 10's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला अब ये क्या हो जाएगा, आर टू द पावर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आर टू द पावर एन माइनस कैपिटल एन विच इज नथिंग बट 10 टू द पावर 5 माइनस 37218.12345। ओके, तो 10 टू द पावर 5 का मतलब कितना हो गया, एक के ऊपर 5 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 37218.12345। ओके, सो अब इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि अब इस नंबर में से इसको सेपरेट कर देना है। सो लेट अस सी हियर, इट इज नथिंग बट हमने एक के ऊपर 3, 4, 5 पॉइंट रिमेनिंग के बदले में, पॉइंट के बाद जीरो हम कितना भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हो जाएगा जो निजित है वो 218.37.12345। अब इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 10 में से 5 आया, कितना हो जाएगा 5, और इसके बाद बाकी सारी डिजिट हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। ये क्योंकि आपको आपको क्या करना पड़ा, आपने हासिल यानी कि यहाँ से लिया हुआ है, तो ये 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद भी सारी डिजिट 9 है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया, सॉरी 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया यू कैन गेट 7, 9 में 7 गया 2, और 9 में से 3 गया 6, और ये तो हो गया 0। सो दिस इज योर आंसर, यानी कि आपका जो 10's कंप्लीमेंट हुआ वो नथिंग बट 62781.87655 के बराबर। ओके, अंडरस्टैंड, सो दिस इज नथिंग बट योर 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। आपने कंप्लीटली जो आपने जो नंबर निकाला है उसका आपने 10's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब अगर इसको सेपरेट सेपरेट करना होता तो क्या करते, यानी कि अगर सेम क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से निकालते, अगर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 37218 बेस ऑफ कोर्स 10 और बी 0.12345 बेस 10। अब कुछ भी लो, दोनों को हमने ने पॉइंट के बाद पहले अलग ले लिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो अंडर सॉल्यूशन लेट्स सी क्या होगा, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं पहले ए के लिए, ए को हम सॉल्व करते हैं। तो ए के केस में जो एन हो गया वो है 37218। ओके, स्मॉल एन इंटीजर डिजिट हो गया 5 एंड आर इज इक्वल टू 10। सो व्हाट विल डू, यहां पे हम पुट करते हैं इसको, तो ये हो गया 10 टू द पावर, लेट अस सी हियर, आर डैश एस का फॉर्मूला होता है R टू द पावर n माइनस कैपिटल n, यानी कि हमें क्या करना है 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना है 10 टू द पावर 5 माइनस गिवन 37218, यानी कि 1 के ऊपर 50 माइनस 37218। अब इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 10 बन जाएगा, या 10 में से 8 गया 2, अब ये सारे डिजिट 9 बन जाएंगे, 9 में से 1 गया 8, ये 9 में से 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3 गया 6, ये आपका डिजिट बना 10's कॉम्प्लीमेंट से, सिर्फ एक इस का। अब हम बी पार्ट का देख लेते हैं इसी में, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन
पार्ट बी के लिए, तो पार्ट बी के लिए जो एन होगा वो गिवन वो पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 0 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ हियर व्हाट इज देयर, स्मॉल एन यानी कि इंटीजर डिजिट इसमें नहीं है, 0 है, और कैपिटल एन तो हो ही गया, और आर तो एज इट इज 10 ही होगा। ओके, तो अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पुट करता हूँ 10s कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो 10 टू द पावर 0 n की जगह पे 0 माइनस 0.12345। 10 टू पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, और 1 में से ये पूरी संख्या को हमें क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 1.00000 में से 0.12345। अब इसके बाद जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 4 गया 5, ये 9 में से 3 गया 6, इसके बाद ये 9 में से 2 गया 7, में से 1 गया 8 पॉइंट, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहां से आपने ये लिया, तो 0.87655। अब अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो देख सकते हो कि इस डिजिट में अगर अलग अलग करता हूं तो इस डिजिट में 62781 और ये 2 आ जाता है, और यहां पे 87655 बराबर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो टोटल डिजिट होती है उसमें ही हम सिर्फ टोटल डिजिट जो आती है वो टोटल में से यानी कि 10 के पावर में से सबट्रैक्ट, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो या तो वो क्या बोलते हैं अलग अलग फ्रैक्शन एंड डिजिट के साथ हो या फिर एक साथ हो, दोनों की जो है थोड़ा सा वेरिएशन आएगा अगर आप फाइंड आउट करोगे तो। सो आप चेक करना। अब चलते हैं हम लोग टेंस कॉम्प्लीमेंट के बाद हम दूसरा क्या फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, वो होता है टेंस के बाद हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्यों देखते हैं हम लोग सेकेंड, यानी कि दूसरे नंबर में फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। सो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका किसका निकालना भाई, ए एक नंबर में यहाँ पे देख रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट 1101.01 base 2। ओके, एंड कोई और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं जिसमें कि सिर्फ इस तरीके से है, दैट इज नथिंग बट 0.0011 base 2। सो आप देख सकते हो दोनों का बेस 2 है, इट मीन्स दैट इसका जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे वो कॉम्प्लीमेंट यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके आधार पे है, इसके बेस आर के आधार पे, यानी कि ए की हम बात करें तो एन इज इक्वल टू कैपिटल एन जो है वो दिया हुआ है दिस वन 1101.01, जहां पे कि स्मॉल एन की यानी कि इंटीजर डिजिट है 1, 2, 3, 4, एन इज इक्वल टू 4, एंड स्मॉल आर इज नथिंग बट स्मॉल आर इज 2। सो अब इसमें फॉर्मूला यूज करें, यानी कि 2 आर डैश एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर टू द पावर एन माइनस कैपिटल एन, जहां पे कि आर की वैल्यू 2 टू द पावर 4 माइनस एन की जगह पे 1101.01। ओके, सो इसको अब 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये देखो डेसिमल नंबर आ गया और ये आ गया बाइनरी, तो हमें क्या करना होगा, इनको इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, और 16 का बाइनरी क्या होता है सिंपल में, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 1 के ऊपर 4 जीरो कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 4 है 2 पावर 4, तो इसका मतलब 1, 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 8, 4, 16, ये हो गया 16 का, और इसमें से आप सबट्रैक्ट कर दीजिए 1101.01। ओके, अब सब्सट्रैक्शन आप यहाँ भी कर सकते हैं नीचे लिख के 1000 पॉइंट के बाद हम 00 रख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 1101.01 सब्ट्रैक्शन। लास्ट क्लास में उन्होंने बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, ध्यान पे होगा क्या होता है, जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, और बाकी के सारे डिजिट यहाँ पे जीरो है तो बोरो कहाँ से आएगा, मेरी लास्ट डिजिट से यहाँ से आएगा, है ना, यानी कि बोरो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोरो 1111111 एंड यहाँ हो गया, यानी कि जीरो में से वन गया वन, बोरो वन चला गया सब पे, तो अब ये वन यहाँ पे आ जाएगा, वन में से वन जाएगा जीरो, वन में से जीरो जाएगा यहाँ पे वन, इसके बाद यहाँ पे वन में से वन गया जीरो, वन में से वन गया जीरो, और लास्ट में वन में से वन गया जीरो,
तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यू 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 आर गेटिंग द 10.11. द आंसर इज टूज कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 10.11. दिस इज योर आंसर. नाउ अगर सिर्फ मुझे यानी कि सेक्शन बी पार्ट में ये है कैपिटल एन, कैपिटल मतलब गिवन डिजिट 0.0011 बेस बाइनरी 2 है, तो बाइनरी 2 हटा देते हैं क्योंकि ये तो कैपिटल एन के अंडर में आ जाएगा, बेस की हमें जरूरत नहीं है. सो नाउ स्मॉल एन इज क्या होगा यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे स्मॉल एन इज 0. क्यों? क्योंकि इंटीजर डिजिट जो है वो पॉइंट के पहले 0 है. एंड देन व्हाट अबाउट इस रेडिक्स, यानी कि रेडिक्स इज इक्वल टू 2 क्योंकि इसका बेस 2 है. सो 2's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 माइनस एन 0.0011. ओके सो व्हाट विल हैपन हियर इन दिस केस विल बी फाइंडिंग आउट. तो 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 2 टू द पावर 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, यानी कि 1 में से मुझे 0.00011 को सेपरेट करना है. तो क्या करेंगे हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1.0000 और ये हो गया 0.0011. इसमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर दें यहाँ भी. अब यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए जो बोरो आएंगे ऊपर हो जाएंगे. अब देखिए यहाँ भी जीरो में सब्ट्रैक्ट करना है, तो जीरो में से सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो जनरली बिना बोरो के सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि 1 आएगा और बोरो चला जाएगा जो भी कंटिन्यूअस लास्ट डिजिट 1 है, यानी कि यहाँ से बोरो 1 लिया, ये यहाँ पे आ गया बोरो, ये फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि 1 में से 1 गया 0, फिर 1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 1 में से 0 सेपरेट कर रहे हैं, 1 में से 0 सेपरेट कर रहे हैं, और ये पॉइंट के बाद ये तो पूरा जो है वो 0 हो गया क्योंकि 1 में से 1 सेपरेट करेंगे, ये हो गया 0. सो योर आंसर इज नथिंग बट 2's कॉम्प्लीमेंट जो हो गया वो 0.1101. ओके सो दिस इज यानी कि RS कॉम्प्लीमेंट. पहला हमारा क्या था, RS कॉम्प्लीमेंट क्या आया, टेंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट आया. अब जो सेकेंड मेथड है, यानी कि जो सेकेंड जो टेक्निक है वो है सेकेंड वाला R-1S कॉम्प्लीमेंट. ओके सो R-1S कॉम्प्लीमेंट, और इसका जो फॉर्मूला होता है, वैसे इसके दो फॉर्मूले होते हैं बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक सिंगल फॉर्मूला रखेंगे हम. सो R-1S इज इक्वल टू, इसको एक थोड़ा सा इसको हम सही से लिख लेते हैं. सो दैट विल बी इक्वल टू आर स्मॉल आर टू द पावर एन जैसा था वैसे ही, फिर स्मॉल आर टू द पावर माइनस एम कर देंगे यहाँ पे एंड माइनस कैपिटल एन. अब यहाँ पे हमें पता है एन जो है वो इंटीजर डिजिट है, इंटीजर डिजिट्स इस केस में, कैपिटल एन जो है वो गिवन नंबर है, गिवन डिजिट्स या गिवन नंबर, और स्मॉल एम जो है वो फ्रैक्शन डिजिट है, यानी कि फ्रैक्शन डिजिट्स. सो कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन डिजिट्स हैं. ओके सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला, ओनली चेंजेस क्या हो गया कि यहाँ पे माइनस आर टू द पावर माइनस एम, माइनस एम हो गया. तो इसको भी सॉल्व करने के चलिए हम एक आध क्वेश्चन देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आर माइनस वन इज कॉम्प्लीमेंट है तो ये स्टार्ट होगा एग्जाम्पल नंबर 1 9th कॉम्प्लीमेंट से. तो फाइंड 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ, हम सेम डिजिट लेके चेक करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, 37218 बेस 10 और उसका दूसरा पार्ट बी 0.12345 बेस 10. सॉल्यूशन, सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे. तो ए के लिए एन की वैल्यू जो हो गई वो है 37218. ओके एंड व्हाट अबाउट स्मॉल एन, फ्रैक्शन इंटीजर डिजिट्स आ रहे हैं यानी कि 5 है और जो आर है वो है 10 है. तो यहाँ पे आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर टू द पावर एन माइनस आर टू द पावर माइनस एम, और यहाँ पे एम क्या होगा, फ्रैक्शन डिजिट 0, कुछ भी नहीं है, आर टू द पावर माइनस एम माइनस कैपिटल एम. सो क्या हो गया, आर की वैल्यू यानी कि 10 to the power 5, ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया. आप तो 10-1, सो 10 to the power 5 माइनस 10 to the power 0
माइनस गिवन डिजिट इज 37218। 10^5 का मतलब कितना हो गया, सॉरी 1 के ऊपर 50, ओके माइनस 1, 10^0 की वैल्यू माइनस 1, ये हो गया, एंड माइनस 37218। इन अदर वर्ड्स वी कैन से हियर, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इस सबको अगर सबट्रैक्ट करेंगे 1 लैक्स में से माइनस 1 तो आ जाएगा 99999 माइनस 37218 इक्विवेलेंट। सो द वैल्यू इज 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6। सो दिस इज योर आंसर। अगर आप इसको टेंस कॉम्प्लीमेंट से मैच करेंगे, आप यहाँ पे टेंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो 62782 आ रहा है और यहाँ पे 62781 आ रहा है, यानी कि 1 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके अब सेकेंड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, बी पार्ट को। 0.12345 ये हो गई n की वैल्यू, और स्मॉल n इसमें 0 है बिकॉज इंटीजर डिजिट कुछ भी नहीं है, 0 है, और स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे 5 है। ओके 1 2 3 4 5, ओके एंड r इज इक्वल टू यहाँ भी 10। सो लेट अस पुट आउट हियर, सो r माइनस 1 s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस r टू द पावर माइनस m माइनस n। क्या हुआ, r इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0 माइनस r, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस n, n इज इक्वल टू 0.12345। सो सी हियर, 1 में से हम क्या कर रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 5 को, यानी कि 1 डिवाइड बाई, सिंपल वर्ड में मैं दे दूं, चलो लिख ही दे रहा हूं मैं, माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसकी इसका वैल्यू क्या आएगी, आप सब्ट्रैक्ट करके देखना, ये जो माइनस 5 की वजह से 1 डिवाइड बाय 10^5 हो जाएगा, यानी 100,000 में से 1 डिवाइड करके फिर 10^5 करना होगा हमें। सो ये वैल्यू जो आएगी 0 पर, देखो इतना आएगी 0.99999, यानी कि 5 9 के बराबर आएगी, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0.12345 में से। अब सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया 8, 0.087654। और इसको भी हम मैच करें यहां से तो यू आर गेटिंग 1.1, देखो यहां पे 5 है यहां पे, और लास्ट में यहां पे क्या है 5 4 है। तो अगर हम ये निकालें 2's 9's कॉम्प्लीमेंट एंड 10's कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब आ जाते हैं इसी के एग्जांपल को देखते हुए, अब हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 9's कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब आते हैं हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो यहाँ पे फाइंड 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ये 1's का मतलब इज नहीं है, 1's है, तो थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देते हैं, फाइंड 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर 1-s, और गिवन नंबर हमने ले लिया एक इस तरीके से 10110 जो हमने उस केस में लिया था 2's केस में, और b जो नंबर है वो 0.0110। सो लेट अस सॉल्व दिस, बेसिक्स फॉर्मूला वही हम लोग अप्लाई करेंगे। सो सॉल्यूशन में a, अब इस केस में कैपिटल N यानी जो गिवन डिजिट है 10110, स्मॉल n यानी कि इंटीजर डिजिट 10 कितना हो गया, सॉरी इंटीजर डिजिट टोटल कितने डिजिट है 5 है ना, 2^5 हो जाएगा, 2^2 यानी कि n की वैल्यू 5, और r जो है वो है 2, लेकिन स्मॉल m इस केस में 0 है क्योंकि फ्रैक्शन डिजिट कुछ भी नहीं है। तो इसमें r माइनस 1 s complement is equal to r to the power n minus r to the power minus m minus m, और यहाँ पे हो गया minus capital N, तो r to the power n की value हो गई 2^5 minus 2^0 minus n यानी कि 10110। 2^5 कितना होता है 32,
टू माइनस वन और माइनस वन जीरो वन वन जीरो, 32 की यहाँ पे कितना आ गया 31, 31 माइनस वन जीरो वन वन जीरो। तो 31 के लिए हमें क्या करना, 31 लिखने के लिए यहाँ पे जो 5 है तो यहाँ पे 5 1 कर देंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 1, 31 की वैल्यू माइनस 10110। इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, देखो 1 2 4 8 16, सबको जोड़िए 16 और 8 24, 24 और 4 28 टू 30, 30 प्लस 1 31, ओके। तो इस तरीके से पूरा 31 होगा। इसका सिंपल तरीका, शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका यह है कि जितने नंबर ऑफ यहाँ पे आपके इंटीजर डिजिट आएंगे n, उस उतने उतने नंबर ऑफ आपको 1 लिख देना है। इसको सबट्रैक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं बाइनरी सबट्रैक्शन, तो 1 1 1 1 1 में से 1 0 1 1 0 को सेपरेट करना है, ओके। तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी कि यू आर गेटिंग 1 0 0 1, ओके। दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल एन इज इक्वल टू है 0.0110 और स्मॉल एन की वैल्यू इस केस में आ गई 0, बट स्मॉल m यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 4 है और r की वैल्यू यहाँ 2। सो लेट अस स्टार्ट, r माइनस 1 इज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि r टू द पावर n माइनस r टू द पावर माइनस m माइनस n। सो ये क्या बन गया, 1's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 माइनस 2 टू द पावर माइनस 4, ओके माइनस एन। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस द पावर माइनस 4 कितना हो गया 1 डिवाइड बाई, ऐसे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 16 माइनस एन की जगह पे क्या है 0.0110। अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आएगी 15/16 के टर्म्स में माइनस 0.0110, जो कि आपको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये यहाँ पे क्या है आप वेरीफाई कर लेना, इतना आएगा इसका वैल्यू। ये क्या है 4 है, तो यहाँ पे 0 के बाद 0 पॉइंट उतने नंबर ऑफ 1 हो जाएंगे 0.1111, ओके। और इसको हमें सबट्रैक्ट कर देना है माइनस 0.0110। सो व्हाट विल बी गेटिंग, वी आर गेटिंग यहाँ पर आके देख लेते हैं 0.1111, ये 0.0110 में से सब्ट्रैक्ट करें अगर हम, तो आएगी 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1.0। सो दिस विल बी योर वन्स कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, ओके दिस वन। सो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, जितने टाइप के कौन मतलब ये थे टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स थे, उन सारे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में हमने, यानी कि वंस टू लेके वंस टूज नाइन्स टेंस कॉम्प्लीमेंट, ये एक प्रोसेस है, एक फॉर्मूले के थ्रू हमने देखा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, वो है इसके शॉर्टकट मेथड, यानी कि हर जगह हम इसे इस स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट कह सकते हो या डायरेक्टली ट्रिक कह सकते हो सिंपल वर्ड में, कि क्या करना है इन्हें, ट्रिक कैसे बनता है, वो उसी के सॉर्टेड फॉर्म को हम लोग ट्रिक बोलते हैं और कुछ खास नहीं। तो अब इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले वंस कॉम्प्लीमेंट से। तो जब भी आपको कोई भी वंस कॉम्प्लीमेंट बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो कुछ खास नहीं करना है, सिंपल जो भी गिवन डिजिट होगी ओके उसका आपको को इन्वर्ट कर देना है, यानी कि टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन डिजिट, गिवन डिजिट्स का आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, यानी कि 1 का 0, 0 का 1, क्लियर, ओके। सो लेट अस सी हियर, फॉर एग्जांपल के लिए एक वही ये कर लेते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल ये है जो हमने पहले ले रखा है 1 0 1 1 0, और इसका आपको निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट। सो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मैं यहाँ से इसको कर ले रहा हूँ, तो वंस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इसका उल्टा, 1 की जगह पे 0, यानी कि 0 1 0 की जगह पे 1 1 0 0 1,
दिस इज योर वंस कॉम्प्लीमेंट, आप चाहे तो पिछले इससे चेक कर सकते हैं, जानबूझ के लिया था ताकि हम वेरीफाई कर सके। जीरो देखिए यहाँ पे 01001 01001, ओके। इसी तरीके से सेकेंड जो है वो है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम वंस निकाल के उसमें वन ऐड कर देंगे, यानी कि फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड ऐड वन, ऐड वन। अब जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक ऐड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशंस, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ भी, तो एक एग्जाम्पल यही है 10110 लेते हैं, और इसका आपको क्या करना है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 01 सब सारे डिजिट को कॉम्प्लीमेंट कर दें, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1001, और इसमें हमें क्या करना है, अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो क्या हो गया 110, कैरी यहाँ पे आ गया 1, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा 1+0, फिर 0, फिर 1, उसके बाद लास्ट में 0। सो दिस इज योर टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर इज 01010, यू कैन मैच विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑल्सो। नाउ अब बचा हमारे पास नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट, इसका भी सिंपल शॉर्टकट तरीका है थर्ड नंबर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का। सो फॉर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हमें क्या करना है, सारे डिजिट को 9 में से सबट्रैक्ट कर देना है, यानी कि जो भी आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, सबट्रैक्ट इच डिजिट इस डिजिट्स फ्रॉम 9 में से किसी भी डिजिट को सेपरेट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए एक कोई नंबर है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9th complement of इसी को चेक कर लेते हैं हम लोग, 37218, यानी कि 37218 का 9th complement निकालिए, क्योंकि इसका बेस 10 है। तो अभी हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो गिवन डिजिट है यानी कि इसमें को, यानी कि 9th complement is equal to 99999 में से 3721 को सबट्रैक्ट कर देना है, एंड आंसर विल बी 9 में से 8 गया 1, 9 में 7 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 7 गया 2, 9 6, दिस इज योर आंसर। एंड द फाइनल वन इज 10th कॉम्प्लीमेंट। सो 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना है कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 ऐड कर देना है, ओके। सो यहाँ पे फाइंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड ऐड वन, एंड ऐड वन, 9 कॉम्प्लीमेंट ये करके और उसमें ऐड वन कर देना है। सो वन है ये, सुनाओ। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, सो 37218 का अगर 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, लेट्स सी हियर, 37218 का अगर मुझे 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सो 10th कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू उसका 9 कॉम्प्लीमेंट, तो 9 में सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, और इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 1+1 हो जाएगा 2, 8, 7, 2, 6, यानी कि 9th कॉम्प्लीमेंट जो होगा उससे एक एक्स्ट्रा जो डिजिट होगी वो हो जाएगी 10th कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टकट मेथड, यानी कि अगर आपसे कुछ भी किसी भी कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हाँ, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम दोनों में से किसका यूज कहाँ करेंगे, तो लेट मी टेल यू, अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लॉन्ग मार्क्स में पूछता है, जहां पे कि आपको प्रोसेस फॉलो करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आ गया कि फाइंड, यहाँ पे फाइंड 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन
नंबर्स, और जो है वो तीन चार, ये तीन से चार दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ठीक है, कुछ भी 1 2 3 4 5 ले लो आप, या 5 6 7 8 ले लो आप, इस तरीके से चार, तीन चार दिया हुआ है, और इसको आपसे पूछा जा रहा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपको क्या करना है, इसमें फॉलो करना है लॉन्ग यानी कि फॉर्मूला वाला प्रोसेस, क्योंकि आपको क्या है इसको, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे जब आपको उस प्रोसेस यानी फॉर्मूला नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का आर माइनस वन डैश वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, यानी कि आर टू द पावर एन माइनस आर टू द पावर माइनस एम माइनस एन। लेकिन अगर वंस टूज या किसी और का यूज करके सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, चाहे कुछ और काम करने हैं, तो उस केस में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो मेथड जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं डायरेक्टली, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को भी किसी पॉइंट पे डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, या फिर मुझे आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मेरे गिवन ईमेल आईडीज पे। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल द इश्यूज, सो थैंक यू अगेन।